मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप ही के दयार के एक खूबसूरत लबो लहजे के शायर शाहिद सफर को मैं इस वक्त आवाज दूं कि वो 2 से 3 मिनट के अंदर अपना नुमाइंदा 2-3 शेर जो वो पसंद करते हों वो सुनाएं, जो उनकी पहचान है। जनाब शाहिद सफर, आप ही के दयार का शायर, इस्तकबाल फरमाएं। 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं, उसके बाद मैं 1-2 कतार और पढ़ूंगा। सुने के नज़र करता हूं, रीना माजी सुने कि नजर से, नजर के तीर से जादू से खेल पाओगे, नजर के तीर से जादू से खेल पाओगे, बहुत करोगे तो बाजू से खेल पाओगे, बहुत करोगे तो बाजू से खेल पाओगे, और 1000 रात इकट्ठा करोगे तब जाकर, 1000 रात इकट्ठा करोगे तब जाकर हमारे जिस्म की खुशबू से खेल पाओगे। 1000 रात इकट्ठा करोगे तब जाकर अच्छा है हमारे जिस्म की खुशबू से खेल पाओगे। 4 मिसरे और देखे कि हराम क्या है, गैल जी हराम क्या है, क्या है हलाल पूछेगा, हराम क्या है हलाल पूछेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ख्याल पूछेगा, और हमारी आंख में कुछ देर गौर से देखो, हमारी आंख में कुछ देर गौर से देखो, तुम्हारा अक्स ही तुमसे सवाल पूछेगा, तुम्हारा अक्स ही तुमसे सवाल पूछेगा। एक मतलब 2 शेर तो चाहूंगा घायल जी से के विरोचन जी देखिएगा, मतलब हाजिर करता हूं। जिधर देखो उधर बिखरे पड़े हैं, जिधर देखो उधर बिखरे पड़े हैं, कहीं पे खत कहीं रिश्ते पड़े हैं, जिधर देखो उधर बिखरे पड़े हैं, कहीं पे खत कहीं रिश्ते पड़े हैं। और इस शेर में तवज्जो चाहूंगा अहले महफिल की, जिधर देखो उधर बिखरे पड़े हैं, कहीं पे खत कहीं रिश्ते पड़े हैं, और हमीने अश्क फेंके हैं फलक पे, हमीने अश्क फेंके हैं फलक पे, सितारे यूं नहीं बिखरे पड़े हैं, हमीने अश्क फेंके हैं फलक पे, सितारे यूं नहीं बिखरे पड़े हैं। और आखिरी से सुने कि हमीने अश्क फेंके हैं फलक पे, सितारे यूं नहीं बिखरे पड़े हैं। अब विलोचन जी सुने आखिरी शेर के, गजल मैं ओढ़ लूं या के बिछा लूं, गजल मैं ओढ़ लूं या के बिछा लूं, मेरे बिस्तर पे कई मिसरे पड़े हैं, मेरे बिस्तर पे कई मिसरे पड़े हैं, गजल मैं ओढ़ लूं या के बिछा लूं, मेरे बिस्तर पे कई मिसरे पड़े हैं।